हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए नई नई वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जरहाट के हिंदी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, नहाए खाए के साथ कल से शुरू हो रहा है छठ। आइए जानते हैं इसका शुभ मुहूर्त और इसकी पूजन विधि एवं इससे जुड़ी मान्यताएं क्या क्या है। दोस्तों, दीपोत्सव के बाद घर से घाट तक छठ महापर्व का माहौल बन रहा है। पहले पहले हम कैली छठ मैया व्रत त्योहार, करिहा क्षमा छठी मैया भूल चूक गलती हमार, जैसे पारंपरिक गीत गुनगुनाते हुए घर की महिलाएं छठ मैया का प्रसाद तैयार करने में जुट गई हैं। प्रसाद की सामग्री को धुलकर सुखाने और साफ सुथरा करने का कार्य शुरू हो चुका है। रविवार से यह पर्व शुरू हो जाएगा। नहाए खाए से होगी शुरुआत। महापर्व की शुरुआत 11 नवंबर को नहाए खाए से होगी। इसे कद्दू भात भी कहते हैं। इस दिन बिना मसाले के कद्दू की सब्जी का सेवन किया जाता है। माना जाता है कि कद्दू में 96% पानी होता है, इसलिए तन मन निर्मल रहता है। पहले दिन महिलाएं सिर धोकर स्नान करेंगी, नाखून काटकर शरीर को पूरी तरह से स्वच्छ बनाएंगी। भोजन भी इतना हल्का रहेगा कि शरीर पूरी तरह से शुद्ध रहे। दूसरे दिन यानी 12 नवंबर को खरना होगा। इस दिन निर्जल व्रत होगा। इसे ज्ञान पंचमी भी कहा जाता है। शाम को सूखी रोटी और गुड़ की खीर व केला अर्पित कर छठ मैया की पूजा प्रारंभ होगी। 3 दिन तक व्रती महिलाएं कठिन साधना करेंगी। बिस्तर के बजाय महिलाएं चटाई पर सोएंगी। व्रती महिलाएं उसी कमरे में सोएंगी जहाँ अर्ध्य के पकवान बनाए जाते हैं। स्वच्छता का बहुत ही ध्यान रखा जाता है। 13 नवंबर को तीसरे दिन सायकालीन अर्घ्य दिया जाएगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। व्रत करने वाले सूर्य डूबने से पहले घाट पर पहुंच जाएंगे। शुभ मुहूर्त में जल में खड़े होकर अस्त होते सूर्य देव को अर्घ्य देंगे। माना जाता है कि डूबते सूर्य की लाल किरणें अर्घ्य के जल से छनकर तन मन और बुद्धि को तेज कर देती है। 14 नवंबर को व्रती महिलाएं व पुरुष उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए भोर में उसी जगह एकत्र होंगे जहां डूबते सूरज के को पूजन किया था। महिलाएं उगते सूरज को अर्घ्य देने से पूर्व गंगा जल का आचमन करेंगी। विधि विधान से अर्घ्य देकर सूर्य देव से सुख समृद्धि का आशीष मांगेगी। पूजन के बाद घाट पर प्रसाद बांटकर पारण किया जाएगा। तो आइए अब जानते हैं पूजन का मुहूर्त क्या है। दोस्तों, ज्योतिषाचार्यों के अनुसार 11 नवंबर को नहाए खाए के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। 13 नवंबर को सायंकालीन अर्घ्य दिया जाएगा। इस दिन त्रय पुष्कर योग रहेगा। इस संयोग से श्रद्धालुओं पर सूर्य देव की विशेष कृपा होगी। तो ये इसका शुभ मुहूर्त था। आइए अब जानते हैं छठ की पूजन विधि किस प्रकार से करें। दोस्तों, यह पर्व 4 दिनों तक चलता है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से होती है और सप्तमी को अरुण वेला में इस व्रत का समापन होता है। दूसरा, कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को नहा खा के साथ इस व्रत की शुरुआत होती है। इस दिन से स्वच्छता की स्थिति अच्छी रखी जाती है। इस दिन लौकी या कद्दू और चावल का आहार ग्रहण किया जाता है। तीसरा, दूसरे दिन को लोहांडा खरना कहा जाता है। इस दिन उपवास रखकर शाम को खीर का सेवन किया जाता है। खीर गन्ने के रस की बनी होती है। इसमें नमक या चीनी का प्रयोग नहीं होता। अगला, तीसरे दिन उपवास रखकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। साथ में विशेष प्रकार का पकवान जिसे ठेकुआ और मौसमी फल कहते हैं, ये चढ़ाए जाते हैं। अर्घ्य दूध और जल से दिया जाता है। अगली चीज, चौथे दिन बिल्कुल उगते हुए सूर्य को अंतिम अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद कच्चे दूध और प्रसाद को खाकर व्रत का समापन किया जाता है। इस बार पहला अर्घ्य 13 नवंबर को संध्या काल में दिया जाएगा और अंतिम अर्घ्य 14 नवंबर को अरुणोदय में दिया जाएगा। दोस्तों, छठ महापर्व की तिथि इस प्रकार से है। नहाए खाए यानी रविवार को 11 नवंबर को है। खरना जो होगा वह सोमवार 12 नवंबर के दिन मनाया जाएगा और सायंकालीन अर्घ्य मंगलवार 13 नवंबर को दिया जाएगा और जो इस दिन सूर्यास्त होगा वह 5:26 पर होगा। प्रातःकालीन अर्ध बुधवार के दिन 14 नवंबर को दिया जाएगा।
प्रातःकालीन का अर्ध का जो सूर्योदय है वह 6:32 पर होगा। इसके पीछे एक मान्यता है। छठ पूजा के बारे में कई मान्यताएं प्रचलित हैं। कहा जाता है राजा प्रियवंद और रानी मालिनी को कोई संतान नहीं थी। महर्षि कश्यप के कहने पर इस दंपति ने यज्ञ किया जिससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। दुर्भाग्य से नवजात मरा हुआ पैदा हुआ। राजा रानी प्राण त्याग के लिए आतुर हुए तो ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा से कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के 6 अंश से पैदा हुई हूँ, इसलिए षष्ठी कहलाती हूँ। उनकी पूजा करने से संतान की प्राप्ति होगी। राजा रानी ने षष्ठी व्रत किया और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि द्रौपदी ने भी छठ की पूजा की थी। मान्यताओं के अनुसार पांडव जुए में जब अपना सारा राजपाट हार गए तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा था जिससे राजपाट उनका वापस मिला था। माना जाता है कि महाभारत काल में छठ पूजा की जो शुरुआत है वह सूर्य पुत्र कर्ण ने की थी। सूर्य की कृपा से वह महान योद्धा बने। तो दोस्तों, छठ पूजा का अपना अलग ही महत्व है जो कि भारतवर्ष में बेहद धूमधाम से और प्रचलित तरीके से मनाया जाता है। हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया जरूर लिखें। दोस्तों, धन्यवाद।